अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार, जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत ही दुख की बात है कि चाइना में एक और वायरस जिसका नाम G4 है वो वापस से वहाँ पर आया है। जो N1H1 जो स्वाइन फ्लू जिसे कहा जाता है वो फैमिली से बिलोंग करता है। ये वहाँ पर ऑलमोस्ट 10.4 लोग जो है वहाँ पर इफ़ेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, पर हाँ ये जो स्लॉटर हाउस में जो कसाई खाने होते हैं जो स्वाइन्स के पोक के पिग्स जिसे कहा जाता है उनके वहाँ पे लोग काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन ये वायरस जो है पोटेंशियल रखता है, ताकत रखता है कि ये इंसान में आए और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होकर ये वापस से पेंडेमिक टाइप सिचुएशन क्रिएट कर सके ओवरऑल द वर्ल्ड में। इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर अलर्ट होना चाहिए और यहाँ जहाँ भी स्लॉटर हाउस होंगे इस जानवर के उसे प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करना चाहिए और सैंपल्स लेके चेक करना चाहिए। उसी के साथ जो जब लॉकडाउन हटेगा तो चाइना से जो भी लोग आने वाले हैं दुनिया भर से वापस से प्रॉपर स्क्रीनिंग हो और इस तरीके का जो कोरोना वायरस जैसी स्थिति वापस से यहाँ नहीं आ सके, इसके लिए पूरी इंडियन गवर्नमेंट को कोशिश करना होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये वायरस से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी अभी प्रिपेयर नहीं है। 2009 में काफ़ी कहर बरसाया था इस वायरस ने, तो इंडियन गवर्नमेंट को फिर से अलर्ट होना पड़ेगा और सही कदम उठाना पड़ेगा ताकि ये वायरस इंडिया तक ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।